भारतीय जनता पार्टी किसे देगी पानीपत शहरी विधानसभा की टिकट? शहर के कोने कोने में आज एकमात्र यही चर्चा लोगों के बीच बनी हुई है। याद रहे कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत जनपद की समालका इसराना व पानीपत ग्रामीणों की टिकटों की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन पानीपत शहर को होल्ड पर छोड़ दिया गया है। जाहिर है इसे रोहिता रेवड़ी की टिकट कटने के रूप में देखा जा रहा है। जन चर्चा है कि भाजपा की टिकट प्रमोद विज को मिलने जा रही है। बीती रात सुरेंद्र रेवड़ी के सैकड़ों समर्थकों ने रेवड़ी आवास पर जाकर सुरेंद्र रेवड़ी परिवार को सांत्वना भी दी और हर हालत में उनके साथ का संकल्प दोहराया। हालांकि रोहिता रेवड़ी ने स्पष्ट कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा वह उन्हें मंजूर होगा। उधर इन प्रतिक्रियाओं से बेअसर भाजपा नेतृत्व उम्मीदवारों के नामांकन की तैयारियों में जुट गया है, जिनकी कल ही टिकटों की घोषणा की गई थी। जन चर्चा है कि बची हुई एक दर्जन टिकट 3 अक्टूबर को घोषित की जाएंगी। लोगों में यह भी चर्चा है कि भाजपा एंड टाइम पर टिकटों की घोषणा करेगी, ताकि सुरेंद्र रेवड़ी चाहकर भी किसी अन्य दल की टिकट लाकर चुनाव मैदान में न डट जाएं। हालांकि रेवड़ी परिवार मजबूती से खंडन कर रहा है, लेकिन चर्चा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन सब चर्चाओं से बेपरवाह बना हुआ है। उधर शहरी टिकट मिलने की संभावना से प्रमोद विज के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज्ञात रहे कि समूचा भाजपा संगठन प्रमोद विज को समर्थन दे रहा है। संगठन के वे लोग रेवड़ी के साथ हैं जो कि रेवड़ी के अनुशंसा पर संगठन में पदाधिकारी बनाए गए थे। बहरहाल पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेता है यह अलग विषय है, लेकिन जहां तक रोहिता रेवड़ी की व्यक्तिगत छवि है वह आज भी जनता में लोकप्रिय है। अलबत्ता सुरेंद्र रेवड़ी अनेकों विवादों में चर्चित रहे, खास तौर पर नगर निगम के अनेक मामलों में रेवड़ी का नाम छाया रहा। इसके अलावा पानीपत के कई विवादित प्रकरणों में भी सुरेंद्र रेवड़ी की चर्चा मीडिया में जमकर होती रही। उधर प्रमोद विज के बारे में लोगों ने तभी अनुमान लगा लिया था जब 29 सितंबर को मतलोडा में आयोजित महिला सम्मेलन में पधारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक मंच से बड़ी आत्मीयता व स्नेह से प्रमोद विज की पीठ थपथपाई थी। तभी से अनुमान लगाए जाने लगे थे कि मनोहर लाल खट्टर अगले उम्मीदवार के रूप में प्रमोद विज को देख रहे हैं। हालांकि टिकट घोषणा में अभी 2 दिन शेष बचे हैं, ऐसे में देखना होगा कि पानीपत शहर की टिकट का ऊंट किस करवट रुख बदलता है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।